रिसेशन हुआ ना 90s में इकोनॉमी का, उसके बाद जरूरत पड़ने लगा कि इस सेक्टर को अगर डेवलप नहीं करेंगे इंडिया के तो एम्प्लॉयमेंट की तो स्केर्सिटी होगी, साथ में हम अपने जीडीपी ग्रोथ जो हमने टारगेट फिक्स किए हैं उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2006 में पार्लियामेंट में एक एक्ट लाई गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, आप नोट कर लीजिए एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है। अब इसमें एंटरप्राइज का मतलब, एंटरप्राइज कितने टाइप के होते हैं आप बताइए, बताइए बताइए आप क्या बोली, ओके आप क्या बोली, अच्छा और कोई अच्छा कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दो तरीके के एंटरप्राइज होते हैं एक्टिविटी के बेस पे, दीज आर एक्टिविटीज राइट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। जो आप पेन यूज कर रहे हैं, जो आप आई कार्ड टांगे हुए हैं, ये सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। आपने जो क्लॉथ्स पहने हुए हैं ये सब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आप समझते हैं, है ना, बेहतर समझते होंगे, रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस के जरिए रेडी गुड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। और सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज बताइए, टीचिंग जी, टीचिंग ओके, और क्या इंस्टीट्यूट हो गया वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और एजुकेशन तो बता दिया, और नहीं नो सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यस बैंकिंग, बैंकिंग यस, ठीक है। मोर ऑर लेस इसका मतलब है कि आपको पता है सर्विसेज क्या होती है, पहले मत मत